हेलो फ्रेंड, सब्सक्राइब कीजिए मेरे गवर्नमेंट जॉब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। जितने भी सारे मेरे गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन को। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब चैनल के नए एक्साइटेड वीडियो में। जैसे कि आप अपने थंबनेल पर देख पा रहे हैं, एसएससी एमटीएस 2019 एसएससी के जो एमटीएस जो इस बार जो भर्ती होगा, कब से भर्ती होगा और किस चीज़ की और ऑनलाइन शुरू होगी, सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो इसके लिए तो वीडियो स्टार्ट करने से जरूरी बात के लिए, अगर आप मैंने मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए, क्योंकि जितने भी सारे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आते सब चीज़ों के बारे में इस चैनल में बताता हूँ। तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, अगर नीचे स्क्रॉल कीजिए, एसएससी एमटीएस इज द वन इम्पोर्टेंट एग्जाम कंडक्ट बाय द एसएससी एवरी ईयर, यानी एमटीएस के जो एग्ज़ाम इस बार जो भर्ती होने वाली जो बहुत जल्दी होगी, इसमें इस वेबसाइट में कहा गया है। तो और नीचे आएंगे तो देखिए दोस्तों, 22 अप्रैल से ये जो यहाँ पर जो लिखा है 22 अप्रैल से इसकी ऑनलाइन स्टार्ट होगी। 22 अप्रैल दोस्तों, 22 अप्रैल से इसकी ऑनलाइन स्टार्ट होगी। अब अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 22 अप्रैल से लेकर 25 मई के बीच इसकी एसएससी एमटीएस ऑनलाइन होगा। और इसका जो पहला पेपर होगा दोस्तों, और इसका पहला पेपर है जो पेपर आई टीयर वन होगा दोस्तों, 2 अगस्त लेकर 6 अगस्त इसका इसका जो टीयर वन होने वाला है। अगर नीचे आए देखें तो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, अगर इसकी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की बात करें तो 17 नवंबर को टीयर टू यानी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा। उसके बाद तो डिफाइनल ये होगा। अगर इसकी अगर इसके फीस की बात करें तो इसकी ऑनलाइन फीस अगर बात करें तो SC ST के कोई लिए फीस भी नहीं, SC ST के लिए कोई फीस नहीं, और जनरल और OBC के लिए 100 रुपये, जनरल और OBC के लिए 100 रुपये के रखी गई है। अगर इसके एग्ज़ाम की बात करें तो अगर इसके एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें एग्ज़ाम जो है वो लगभग आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें सब चीज़ें दी गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा, इसका जो 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 मार्क पड़ेगा। और उसके बाद नंबरियल एटीट्यूड पड़ेगा 25 मार्क्स एंड जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन भी 25 मार्क आएगा। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस भी 25 आएगा, यानी चारों को मिलकर के 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी दोस्तों, इसलिए इस बार तो कट ऑफ बहुत हाई जाने वाले, इसीलिए इस बार अच्छे से पढ़ के ही। अगर किस किन लैंग्वेज में पढ़ेगा तो देखिए दोस्तों, अगर मैथ की बात करें तो मैथ में पड़ेगा, रीजनिंग में पड़ेगा क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, मैट्रिक्स, वर्ड फाउंडेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर करेक्टरिस्टिक, नॉर्मल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग ये पड़ेगा। और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, सिटीजन ऑफ इंडिया यानी इंडिया के जहाँ से आप रह रहे हो इसकी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें नेपाली भी अप्लाई कर सकते हैं, भूटान भी अप्लाई कर सकते हैं, तिब्बती रिफ्यूज भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, अप्लाई कर सकते हैं। और एज की बात करें तो
इसकी बात करिए, आपका जो एज होनी चाहिए मिनिमम 18 से लेकर 25 ईयर होना चाहिए, 2018 के हिसाब से। अगर पीएच कैंडिडेट की बात करें, यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए 10 साल के लिए सेशन मिले भी फिजिकल प्लस ओबीसी, अगर कैंडिडेट कोई फिजिकली हैंडीकैप हो उसको 13 साल हैंडीकैप, फिजिकली हैंडीकैप एस सी एस टी को 15 साल की आरक्षण मिलेगी दोस्तों। अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड आपकी आपके कमीशन की वेबसाइट एसएससी की साइट पर जरूर इसकी सूचना दी जाएगी। तो नीचे इसमें देखा जाएगा कि कट ऑफ कितना रहने वाला है, ये देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लिए आपको जो कट ऑफ रहेगा जनरल के लिए 95 कट ऑफ रहेगा, ओबीसी के लिए 86, एससी के लिए 57.5, एसटी के लिए 62.3, बिहार की अगर बात करें तो बिहार के लिए आपका जो कट ऑफ जाएगा 88.75, 81 ओबीसी के लिए, 74.5 एससी के लिए, और एसटी के लिए बात करें तो 59 जाएगा दोस्तों, और एक्स सर्विस मैन के लिए 50। और अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में आपका जो जनरल का कट ऑफ जाएगा वो होगा 82.50, उसके बाद ओबीसी का जाएगा 72.25, एससी के जगह 80 और एसटी के जगह 60.75 दोस्तों। और अगर यूनियन टेरिटरी के बाद दामन और दीव, सॉरी गुजरात नगर हवेली की बात करें, जो आपका जो कट ऑफ जाएगा जनरल के लिए वो जाएगा 62.50, ओबीसी के लिए 45 और एससी के लिए 57.50 और एसटी के लिए 57.50, एक्स सर्विस मैन के लिए 45। और दामन ड्यू की बात करें तो दामन ड्यू में आपका जो कटक अगर डायमंड ड्यू की बात करी जाए तो डायमंड ड्यू में आपका जो कट ऑफ जाने वाला है 62 जाएगा कट ऑफ डायमंड ड्यू में, उसके बाद जनरल के लिए और ओबीसी के लिए आपका जो कट ऑफ जाएगा 45 और एससी के लिए जाएगा 45 और एसटी के लिए जाएगा 45 और एस के आर्मी में एक सर्विस मैन के लिए भी कट ऑफ जाएगा 45 दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट बात करें उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड का जो कट ऑफ जाएगा जनरल के लिए वो है 94, ओबीसी के लिए 87.50 और एससी के लिए 85 और एसटी के लिए 85 और जनरल के लिए भी 85 दोस्तों, तो ये सेम हो गया। उसके बाद राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जो कट ऑफ जाएगा जनरल के लिए 110, ओबीसी के लिए 100.75, एससी के लिए 99, एसटी के लिए 99 और एक्स सर्विस मैन के लिए 99। अगर दिल्ली स्टेट की बात करें तो दिल्ली स्टेट में जो आपका जो कट ऑफ जाएगा, अगर दिल्ली में बात करें दिल्ली में जो कट ऑफ जाएगा 93.50 जनरल के लिए और 83.25 जो कट ऑफ जाएगा ये जाएगा ओबीसी के लिए और एससी के लिए 92.50 और एसटी के लिए 71.25 और जनरल कैंडिडेट सॉरी एक्स सर्विस मैन की बात करें तो 45 कट ऑफ जाएगा दोस्तों। तो यही थे मेरी छोटी सी जानकारी। अगर आप मेरे इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को गवर्नमेंट जॉब सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस अगर सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करने के बाद सामने एक बेल आइकन दिखाई देगा, उस बेल आइकन को दबा दीजिए। क्या होगा, जितने भी सारे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो मैं डालूंगा तो आप इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकेंगे। तो प्लीज़ मेरे इस गवर्नमेंट जॉब सेंटर चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।